नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विदेश में। देखिए इसमें देखेंगे बड़ी खबर प्रयागराज के छात्रों के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया कि कुछ दिन के अंदर आपके लिए व्यवस्था की जा सकती है, जल्दी देखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज के ही अपडेट से, आज के ही दिन से ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। तो विद इन 2 मिनट के अंदर ये सारी पूरी अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं, और ऐसे लेटेस्ट खबरों और फ्री क्रैश कोर्स के लिए एजुकेशन से रिलेटेड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये प्रेस विज्ञप्ति निकली है जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज से। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद प्रयागराज में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संबंध में यह निर्देश दिए हैं कि इनमें अपने गृह जनपद जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जाए। इसे तो 2 चरणों में ऐसे छात्र छात्राओं को भेजा जाएगा। प्रथम चरण में देख लीजिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं चित्रकूट जनपद के छात्र छात्राओं को बसों के माध्यम से भेजा जाएगा। और इसमें यह है कि इनमें जनपद जौनपुर, भदोही, वाराणसी एवं चंदौली जनपदों के लिए बसें सिविल लाइन्स स्थित हनुमान मंदिर से हिंदू हॉस्टल चौराहा से मिलेगी, ठीक है। अगला है इसमें जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर। देखिए अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से देख लीजिए, और उसी के अनुसार आपको अपने इस जो इसमें प्लेस बताया गया उसी अनुसार पहुँचना है, ठीक है। तो इधर उधर करेंगे तो आप गलत जगह जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट जनपदों के लिए बसें सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा के मध्य, मतलब काफ़ी सारे बसेस हैं, और जो कि अभी टाइम भी मैं इसमें बताऊंगा मिलने जो है इसमें मेंशन है, ठीक है। हिंदू इसमें मेडिकल चौराहा के मध्य, हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा के मध्य महात्मा गांधी मार्ग से संचालित की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला जनपद फतेहपुर एवं कौशाम्बी के लिए बसें सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजाघर, जो फतेहपुर कौशाम्बी के लिए जाने वाले हैं सिविल लाइन में जो पत्थर गिरजाघर है वहां से मिलेगा, ठीक है। अगला है आपका जनपद प्रतापगढ़ के लिए बसें लोक सेवा आयोग चौराहा से संचालित की जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन बसों का संचालन आज दिनांक 27/4/2020 की रात्रि 12 बजे तक के मध्य तथा पुनः दिनांक 28/4/2020 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। तो ये 2 डेट है, केवल इन्हीं 2 डेटों में होगा इन चयन। और जो दूसरा चरण है उसमें देख लीजिएगा, दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जनपदों में जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए बसें 29/4/2020 को प्रातः 10 बजे संचालित की जाएगी। इसकी विस्तृत सूचना पृथक से जारी की जाएगी, क्योंकि इसमें जिलों का मेंशन नहीं है। अगर वो मेंशन होता है तुरंत हमारे YouTube चैनल के थ्रू इसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उक्त बसों का संचालन केवल प्रदेश के अन्य जनपदों के जनपद प्रयागराज में अध्ययन छात्र छात्राओं की सुगमता के दृष्टिगत ही किया जा रहा है। अतएव ऐसे सभी छात्र छात्राओं अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्था आदि द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं कोचिंग संस्थान जा रहे फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा विगत 2 वर्षों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले संबंधी प्रवेश पत्र लेकर ही उपस्थित होंगे, ठीक है। इनमें से ये सारी चीज़ें लेके ही जाना आपको, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कृपया बसों के प्रस्थान स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें, और प्रत्येक छात्र के लिए इस पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये दोनों चीज़ जान लें, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई भी की सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इन नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये कई सारे स्टूडेंट के द्वारा लगातार मैसेज किया गया ट्विटर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो ये पूरी एक्शन कीजिएगा। और ये जारी किए भानचंद गोस्वामी, जिलाधिकारी प्रयागराज। तो ये थी पूरी अपडेट। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।